तो चलिए आज के सेशन में हम करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एसबीआई के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आपके सामने हैं, आप यहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का मेरा पहला क्वेश्चन होगा, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो वो विंडोज 7 होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला है कि IBM क्या है? तो IBM एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ टाइप करके कोई चीज़ सर्च करते हैं। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर को छोड़ के, ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के, ये जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब के रूप में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो संबंध है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इसके जगह पे होगा कर्सर, ब्लिंकिंग पॉइंट जो होता है उसे हम कर्सर बोलते हैं। अगला है कि CDS का आकार कैसा होता है? तो CDS का आकार गोल होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं और CPU कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? यहाँ पे होम पेज होगा, वेबसाइट के जो मेन पेज होते हैं उसे हम होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द हम यूज़ करते हैं जिसे प्रोग्राम भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर का एक अन्य नाम क्या है? तो प्रोग्राम है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं और हार्डवेयर माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हार्डवेयर। नेक्स्ट है यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे भी कहा जाता है, ठीक, तो CPU हो जाएंगे। अगला है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होते हैं जहाँ से हम कोई चीज़ जेरोक्स करते हैं, मीन्स क्या हमें रिजल्ट मिलता है, तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी आउटपुट। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को हम रोम कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएंगे रोम। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो फिजिकल कंपोनेंट को हम हार्डवेयर कहते हैं और उसमें जो एप्लीकेशन में हम काम करते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।